नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एम्स पटना ने 111 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बिहार के 145 प्लस 2 स्कूलों में बनेंगे स्टैंडर्ड क्लब। अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को बीपीएससी की तैयारी करने का सुनहरा मौका। 14 साल बाद बढ़ी बिहार में सरकारी वकीलों की फीस। आईपीएल 2023 ऑक्शन के लिए इस दिन होगी 991 खिलाड़ियों की नीलामी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एम्स पटना ने 111 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना ने विभिन्न डिसिप्लिन में प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल मिलाकर 111 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित डिसिप्लिन में MSc, MPH, IL, PhD, MDS, MS, MD, MHA, MCH, TM पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 9 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https.aimspatna.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहारी बोधरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म आज ही के दिन 3 दिसंबर को 1884 में हुआ था। ये 1950 से 1962 तक कार्यालय में भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वह प्रशिक्षण से एक भारतीय राजनीतिक नेता और वकील थे। राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और बिहार के क्षेत्र से एक प्रमुख नेता बन गए। महात्मा गांधी के समर्थक प्रसाद का 1931 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा कैद कर लिया गया था। 1946 के चुनावों के बाद प्रसाद ने केंद्र सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। 1947 में स्वतंत्रता के बाद प्रसाद को भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। आम चुनाव के बाद उन्हें भारत की पहली संसद और उनके राज्य विधानसभाओं के निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति चुना गया। अध्यक्ष के रूप में प्रसाद ने पदाधिकारी के लिए गैर पक्षपात और स्वतंत्रता की परंपरा स्थापित की और कांग्रेस पार्टी की राजनीति से सेवानिवृत्त हुए। 1957 में प्रसाद को राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुना गया। वे दो पूर्ण कार्यकालों के लिए एकमात्र राष्ट्रपति बने। बिहार में तिल और लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा देने की बनेगी योजना। गया संग्रहालय के सभाकक्ष में कृषि, पशुपालन, मत्स्य संसाधन व डेयरी विकास की समीक्षा की गई। बता दें कि गया में यह समीक्षा कृषि सह पशुपालन व मत्स्य विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार के द्वारा की गई है। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिया है कि गया के तिलकुट के लिए तिल की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जिले में फसल विविधीकरण के साथ ही सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई को भी लगाएं। उन्होंने कहा है कि बिहार ऐप में डाटा सही से अपलोड करने के कारण कृषि से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाती है। इसके साथ उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन से बाहर के एजेंसियों को दूर रखा जाए। बिहार के 145 प्लस 2 स्कूलों में बनेंगे स्टैंडर्ड क्लब। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि बिहार के 145 सरकारी राजकीय एवं राजकीयकृत प्लस 2 स्कूलों में स्टैंडर्ड क्लब का निर्माण किया जाए, जिसके बाद इस पर शिक्षा विभाग के स्तर पर अमल शुरू हो गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार जिन 7 जिलों का चयन इसके लिए किया गया है उनमें बक्सर, अरवल, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, शेखपुरा एवं लखीसराय शामिल है। बता दें कि इन 7 जिलों में 3-3 स्कूलों और बाकी 31 जिलों में 4-4 स्कूलों का चयन किया जाएगा, जहां स्टैंडर्ड क्लब का निर्माण किया जा सके। वहीं इसके बाद इन स्कूलों में विज्ञान संकाय के एक शिक्षक बच्चों के लिए मेंटर के रूप में चयनित किए जाएंगे और फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही अगर बच्चों की बात करें तो इनमें 9वीं से 12वीं तक के चुनिंदे बच्चों को ही शामिल किया जाएगा। इस दौरान बच्चों के प्रशिक्षण दिया जाएगा कि सही और नकली चीजों की पहचान कैसे की जाए। 14 साल बाद बढ़ी बिहार में सरकारी वकीलों की फीस। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ के द्वारा एसएस सुंदरम की जनहित याचिका सरकारी वकीलों की फीस नहीं बढ़ाए जाने को लेकर सुनवाई की गई, जिसमें कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि सरकारी वकीलों की फीस में इजाफा को लेकर ठोस कदम उठाया जाए और 2 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में लगभग बीते 14 सालों से सरकारी वकीलों के वेतन में इजाफा नहीं किया गया था। वहीं इस मामले को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर निर्देश
दिया गया है। बताते चले कि बिहार में सरकारी वकीलों की फीस प्रतिदिन 2,750 रुपए से 3,750 रुपए तक ही है, जो कि बाकी सारे राज्यों से कम है। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को की जाएगी। मधुबनी का राजनगर इस वजह से है बेहद खास। राजनगर मधुबनी जिले का एक ऐतिहासिक महत्व जगह है। यह एक जमाने में महाराज दरभंगा की उपराजधानी हुआ करता था। यह महाराजा रामेश्वरन सिंह के द्वारा बसाया गया था। उन्होंने यहां एक भव्य नौलखा महल का निर्माण करवाया, लेकिन 1934 के भूकंप में उस महल को काफी क्षति पहुंची और अभी भी यह भग्नावशेष के रूप में ही है। इस महल में एक प्रसिद्ध और जागृत देवी काली का मंदिर है, जिसके बारे में इलाके के लोगों में काफी मान्यता और श्रद्धा है। हालांकि यहां का भग्नावशेष अवस्था में मौजूद राजमहल और परिसर अभी भी देखने लायक है। राजनगर मधुबनी जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर उत्तर में है और मधुबनी जयनगर रेलवे लाइन यहां से होकर गुजरती है। यहां से बलिराजगढ़ की दूरी 20 किलोमीटर है, जो मौर्य काल से भी पुराना ऐतिहासिक किला माना जाता है। महिला थानों को मिलेगी 2-2 नई गाड़ियां। गृह विभाग के द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है कि राज्य के सभी महिला थानों में 2-2 गाड़ियां दी जाए और इस गाड़ियों की खरीद निर्भया फंड से की जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटना पर लगाम लगाने के लिए निर्भया फंड की शुरुआत की गई थी। बता दें कि राज्यों को भी इसी निर्भया फंड से पैसे दिए जाते हैं। बताते चले कि बिहार के सभी जिलों में महिला थाना कार्यरत है। इन्हीं 40 थानों के लिए नई गाड़ियों की खरीद का प्रस्ताव गृह विभाग के द्वारा मांगा गया है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने के बाद ही गृह विभाग के द्वारा इसकी मंजूरी दी जाएगी। मोबाइल पर रियल टाइम में देखी जा सकेगी बिहार के जेलों की स्थिति। बिहार में GIS मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है और अब जल्द ही इसके साथ बिहार में मौजूद सभी जेल और अग्निशमन कार्यालयों को कंप्यूटर पर देखा जा सकेगा। इस बात की जानकारी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद के द्वारा दी गई है। इस दौरान उन्होंने ADG आधुनिकरण को निर्देश दिया है कि हर सप्ताह पुलिस मुख्यालय में होने वाली समीक्षा बैठक में GIS मैपिंग के काम की जिलावार समीक्षा दी जाए। इसके साथ ही इसमें मोबाइल नंबर, लोकेशन और लैंडलाइन डालने की व्यवस्था भी की जाए। इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिया है कि वैसी भूमि जो विवादित है उन्हें भी इस मैपिंग से जोड़ा जाए और सभी भूमि को 3 हिस्सों में बांटकर अलग अलग रंगों से चिन्हित किया जाए। जानकारी के लिए बता दें कि भूमि को बांटे गए 3 हिस्से सामान्य, संवेदनशील और अति संवेदनशील है। भ्रष्ट जूनियर इंजीनियर को निगरानी ने रंगे हाथ दबोचा। इन दिनों बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों से जुड़े काफी खबरें सामने आ रही है। इसी कड़ी में अब एक और नाम जुड़ गया है। बता दें कि बिहार के बांका जिले के अमरपुर स्थित नगर पंचायत के कार्यालय से निगरानी टीम के द्वारा 16,000 रुपए रिश्वत के रूप में लेते हुए एक भ्रष्ट जूनियर इंजीनियर की रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिसके बाद उन्हें भागलपुर ले जाया गया, जहां पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि बीते 24 नवंबर को सुरेश ठाकुर के द्वारा निगरानी ब्यूरो में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी और आरोप लगाया गया था कि सुरेश ठाकुर ने दोनों पर प्रधानमंत्री आवास योजना की शेष राशि भुगतान करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है, जिसके बाद निगरानी टीम के द्वारा इस मामले को लेकर उनके खिलाफ जांच की गई और मामला सही पाए जाने पर इनके खिलाफ केस दर्ज की गई। तेजस्वी यादव ने सरकारी अस्पतालों को लेकर की बड़ी बैठक। बिहार में जब से बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के मिशन 60 की शुरुआत हुई है, तब से यहां के सरकारी अस्पतालों का कायाकल्प होता नजर आ रहा है। बता दें कि अस्पतालों में होते इसी प्रगति को लेकर तेजस्वी यादव के द्वारा एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था और सेवा में सुधार की प्रक्रिया निरंतर चालू रहेगी। बताते चले कि तेजस्वी यादव ने मिशन 60 को लेकर लिखा है कि जब से इसकी शुरुआत हुई है सरकारी अस्पतालों में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। अब लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र भी बड़े ही सुगम तरीके से मिल जाती है। इसके साथ ही उन्होंने लिखते हुए निर्देश जारी किया है कि जिस भी सरकारी अस्पतालों में मानव संसाधन की कमी है, वहां रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेजी से किया जाए। अब सिटी स्कैन मशीन से होगी वाहनों की जांच। जल्द ही अब गाड़ियों की जांच भी सिटी स्कैन से की जाएगी, जिसमें गाड़ी से जुड़ी सभी बारीकी की जांच की जा सकेगी, जिनमें गाड़ी के ध्वनि, धुआं का प्रदूषण, जर्जर बॉडी समेत सभी गाड़ी से जुड़ी चीजें शामिल होंगी। जानकारी के लिए बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इनके सेंटर सभी जिला में खोले जाएंगे, जिसके लिए विभाग की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल इसको लेकर STC पटना के कार्यालय में 2 एजेंसी की ओर से आवेदन दिया गया है। इन आवेदनों की जांच विशेष टीम गठित कर की जाएगी और फिर सही आवेदकों को चयन किया जाएगा। बता दें कि यह नया नियम आने वाले वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा। विभाग के अनुसार इस नियम के लागू हो जाने से सड़क दुर्घटना पर काफी हद तक अंकुश लग सकेगा और साथ ही साथ पर्यावरण की स्वच्छता को भी बढ़ावा मिल सकेगा। बिहार में आज क्या रहेगा मौसम का हाल?
मौसम विभाग के अनुसार बिहार में आज सुबह का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 14 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो सकता है। बिहार में सुबह हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं बिहार में आज दोपहर के समय तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और यह 27 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस होगा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 18% रहेगी। इसके साथ ही शाम तक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। बिहार में शाम के समय हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वहीं अगर आज के रात की बात की जाए तो रात का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को बीपीएससी की तैयारी करने का सुनहरा मौका। बिहार सरकार अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को बीपीएससी परीक्षा के लिए तैयार करेगी। इसके लिए बिहार सरकार उन्हें उच्च स्तर की कोचिंग की सुविधा भी मुहैया कराएगी। 6 माह के परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें शैक्षणिक मदद देने के साथ साथ उन्हें आर्थिक मदद भी दी जाएगी। बिहार सरकार ऐसे 60 अभ्यर्थियों का चयन करेगी जिसे पटना विश्वविद्यालय स्थित प्राक परीक्षा केंद्र में तैयारी कराई जाएगी। हालांकि अभ्यर्थियों को इसके लिए लिखित परीक्षा पास करनी होगी। चयन के लिए बहुवैकल्पिक लिखित परीक्षा के माध्यम से मेधा सूची बनाई जाएगी। इस योजना का लाभ वही छात्र या छात्रा ले सकेंगे जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2,50,000 से कम होगी। चयनित अभ्यर्थियों को अगले साल जनवरी से केंद्र में शामिल होने का अवसर मिलेगा और जून तक उनका प्रशिक्षण मिलेगा। जो छात्र छात्रा पटना के होंगे उन्हें 1500 मासिक और पटना से बाहर के छात्र छात्राओं को 3000 मासिक छात्रवृत्ति मिलेगी। योग्य अभ्यर्थी 13 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। महिला पुलिस कर्मियों को जल्द मिलेगी मोबाइल टॉयलेट की सुविधा। बिहार की महिला पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर है। अब जल्द ही उन्हें भी मोबाइल टॉयलेट की सुविधा मिलेगी। बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय ट्रैफिक में तैनात महिला पुलिस कर्मियों के लिए मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 नवंबर को नियुक्ति पत्र देने के दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से एक महिला पुलिस के द्वारा टॉयलेट की मांग की गई थी, जिसके बाद अब जल्द ही पुलिस मुख्यालय करोड़ों की बजट से महिला पुलिस कर्मियों के लिए मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करने जा रही है। बता दें कि आईजी दीपक रतन के अनुसार सभी थानों में अलग से टॉयलेट बनाने के लिए थाना अध्यक्षों से जगह जगह चिन्हित करने और उसको बनाने में होने वाले खर्च की जानकारी देने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद पुलिस मुख्यालय भेजा जाएगा। इसके बाद एक साथ पूरे प्रदेश के थानों में टॉयलेट बनाने के लिए बजट जारी होगा। आईसीएसई बोर्ड ने जारी की 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेट शीट। आईसीएसई बोर्ड के द्वारा वर्ष 2023 में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई है। बता दें कि डेट शीट के अनुसार 12वीं की परीक्षा 13 फरवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक चलेगी। वहीं 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी 2023 से 29 मार्च 2023 तक आयोजित की जाएगी। बताते चले कि परीक्षा के शुरू होने का समय 11 बजे होगा और उस दौरान विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। जारी की गई डेट शीट के अनुसार 10वीं के लिए ली जाने वाली परीक्षा में पहले दिन इंग्लिश लैंग्वेज की परीक्षा ली जाएगी तो वहीं परीक्षा के अंतिम दिन जीव विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। वहीं अगर बात 12वीं की करें तो इसमें भी पहली परीक्षा इंग्लिश लैंग्वेज की ही ली जाएगी। वहीं यह परीक्षा पर्यावरण परीक्षा के साथ खत्म होगा। शहर को गंदा करने वालों के नाम होंगे सार्वजनिक। पटना नगर निगम की ओर से शहर को साफ बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाया गया है। बता दें कि अब पटना नगर निगम की ओर से सभी कचरा मुक्त पॉइंट पर ब्लैक बोर्ड लगाए जा रहे हैं जिन पर उन लोगों के नाम लिखे जाएंगे जो खुले में कचरा फेंकते हैं या शहर को गंदा करते हैं। वहीं इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसे लोगों को पटना नगर निगम की ओर से माला पहनाकर उनको सम्मानित किया जाएगा। इस योजना की मॉनिटरिंग अच्छे से की जाए इसके लिए मुख्यालय स्तर पर नगर प्रबंधक जोनल एवं वार्ड स्तर पर टीम का गठन किया गया है। वहीं इसकी रिजल्ट की 26 जनवरी को की जाएगी। इसके साथ ही विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा जिसकी शुरुआत 5 दिसंबर से की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि 3 दिसंबर से जीबीपी पॉइंट पर ब्लैक बोर्ड लगाने के काम की शुरुआत कर दी जाएगी। बिहार में धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए बनने चाहिए कानून, गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में हो रहे धर्म परिवर्तन को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में सरकार के सामने खुलेआम धर्म परिवर्तन का काम किया जा रहा है लेकिन फिर भी राज्य सरकार खामोश है। मैं तो कह रहा हूं कि बिहार के हर जिले में लोभ देकर धर्म परिवर्तन का काम किया जा रहा है लेकिन प्रशासन इसे रोकने में नाकाम है। उन्होंने कहा है कि मुझे मुस्लिम लोगों से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसमें जो कट्टरपंथी मौजूद है मुझे उनसे दिक्कत है। धर्म परिवर्तन करवाना हिंदू बहुसंख्यक पर हमला है लेकिन सरकार के द्वारा इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है और न ही लगाम लगाया जा रहा। राज्य सरकार को धर्म परिवर्तन को लेकर कोई कानून का निर्माण करवाना चाहिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान ने बढ़ाई सरगर्मी। कुर्नी सीट पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इन्हीं में एक
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी शामिल हैं, जिन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी सरगर्मी बढ़ सकती है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि जनता दल और आरजेडी का यूं विलय नहीं होगा, जेडीयू अपने दम पर मजबूती से खड़ी है, ऐसे में दोनों पार्टियों के विलय का कोई सवाल नहीं उठता। उन्होंने दावा किया है कि जेडीयू और आरजेडी की समान विचारधारा है और दोनों साथ मिलकर महागठबंधन सरकार चला रही है। दोनों पार्टियां समाजवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसके साथ ही उन्होंने सुशील मोदी समेत सभी नेताओं पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा है कि बीजेपी केवल कंफ्यूजन पैदा करती है, दोनों पार्टियों के विलय का भी कंफ्यूजन इनके द्वारा ही पैदा किया गया है। बीजेपी नेता प्रेम कुमार बोले, आरक्षण एनडीए की देन। 5 दिसंबर को कुढ़नी में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री प्रेम कुमार बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता के लिए प्रचार प्रसार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। वहीं इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि दो जगह पर उपचुनाव हो चुका है, लेकिन सीएम नीतीश अभी तक कहीं नहीं गए थे और अब कुढ़नी में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्थाओं में अति पिछड़ों को मिलने वाला आरक्षण एनडीए की देन है। हम लोग ने वादा किया था कि 2005 में सरकार बनने के साथ ही 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण लागू करेंगे और हमने किया। प्रेम कुमार बोले कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाना ही बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य है। चिराग ने तारी को बताया नेचुरल जूस। बीते दिन हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने सरकार पर जमकर हमला बोला और साथ ही उन्होंने सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे भी रखी। बता दें कि उन्होंने सरकार के सामने मांग रखते हुए कहा कि बिहार सरकार नीरा की खरीदारी करे, तारी पर से रोक हटाए, पुलिस प्रशासन और मद्य निषेध प्रताड़ित करना बंद करे, तार के पेड़ से गिरकर जिनकी मौत हुई उन्हें मुआवजा मिले, 2016 से अब तक जितने को नीरा टैंपर में जेल भेजा गया उन्हें छोड़ा जाए, तारी में जिन्हें पकड़ा गया उन्हें छोड़ा जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तारी एक नेचुरल जूस है और शराब कैसे बनती है वह नीतीश कुमार के प्रशासन के लोग जानते हैं। IPL 2023 ऑक्शन के लिए इस दिन होगी 991 खिलाड़ियों की नीलामी। BCCI के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार IPL 2023 ऑक्शन इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए 23 दिसंबर को कोची में मिनी ऑक्शन होगा। इस बार मिनी ऑक्शन के लिए 714 भारतीयों सहित कुल 991 क्रिकेटर्स ने अपना नाम दिया है। IPL 2023 में खेलने के लिए भारत समेत 14 देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। बता दें कि इस बार मिनी ऑक्शन में 87 खिलाड़ियों की बोली लग सकती है, जिनमें से विदेशी प्लेयर्स की संख्या 30 होगी। गौरतलब हो कि हर एक टीम में अधिकतम 25 प्लेयर रखने की ही अनुमति है, इसमें अधिकतम 8 विदेशी खिलाड़ी होने चाहिए। वहीं 23 दिसंबर को होने वाले मिनी ऑक्शन में 277 विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इनमें सबसे ज्यादा 97 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके बाद साउथ अफ्रीका के 52, वेस्ट इंडीज के 33, इंग्लैंड के 31, न्यूजीलैंड के 27, श्रीलंका के 23, अफगानिस्तान समेत कई देश शामिल हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। बाजीराव द्वितीय को 1796 में मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया गया। वायसराय लॉर्ड विलियम बैटिक ने 1829 में भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध शुरू होने के बाद देश में आपातकाल लागू हुआ। मुंबई में हुई 23 नवंबर की आतंकवादी घटना के बाद 2008 में आज के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस का जन्म 1879 में हुआ। टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली महिला भारतीय महिला मिताली राज का जन्म 1982 में हुआ। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक लांस नायक अल्बर्ट एक्का का निधन 1971 में हुआ। भारत के ख्याति प्राप्त हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का निधन 1969 में हुआ। फिल्म अभिनेता और निर्माता देव आनंद का निधन 2011 में हुआ। आज के दिन ही भोपाल गैस त्रासदी दिवस और विश्व विकलांग दिवस भी मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के मोरबी दौरे के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पीएम के मोरबी दौरे के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक आरटीआई के हवाले से एक ट्वीट में दावा किया जा रहा है कि पीएम के मोरबी दौरे पर 30 करोड़ रुपए खर्च हुए। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है, ऐसा कोई आरटीआई जवाब नहीं दिया गया है। गलत अकाउंट में किया गया यूपीआई पेमेंट, ऐसे पाए वापस।
अगर आपसे भी कभी गलती से गलत अकाउंट में UPI पेमेंट हो जाता है तो अब टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब आप इन आसान तरीकों से पैसे को वापस पा सकते हैं। अगर आपसे गलत पेमेंट हो जाता है तो सबसे पहले आपको सीधे बैंक के कस्टमर केयर में जानकारी देनी होगी। बता दें कि वैसे ज्यादातर मामलों में कस्टमर केयर बैंक को सीधे मेल करने की जिम्मेदारी देते हैं और आपके मामलों में समाधान हो जाता है, लेकिन अगर मेल से आपके मामलों का निपटान नहीं होता है तो आपको संबंधित बैंक ब्रांच विजिट करना होगा। हालांकि बैंक ब्रांच विजिट करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट जैसे मेल प्रिंट आउट का साथ ले जाना होगा। इसके साथ बैंक मैनेजर रिप्लाई करके बैंक में पैसे रिफंड कर सकते हैं। परिवार संग गया पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री। बीते दिन पहली बार अपने परिवार के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बिहार के गया में पहुंची, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विष्णुपद देवघाट पर पिंड दान दिया और मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि इस दौरान आम आदमी और मीडिया कर्मियों पर रोक लगा दी गई थी। बता चले कि मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन गया सर्किट हाउस भी पहुंची थी, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जमकर स्वागत किया गया। वहीं उसके बाद उन्होंने विष्णुपद घाट के पास अपने पूर्वजों के शांति के लिए पिंड दान किया, जिसके बाद पद मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं सभी कार्यक्रमों के बाद वे बोध गया महाबोधि मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना की। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, विरमानी सिंह, कुश कुमार यादव, नवीन कुमार, मुतुरंगीला, शुभम आर्या, मोहन शाह, रविंद्र पासवान, अजीमा फिरदौस, बाबूलाल मरांडी, रंजीत मिश्रा, एस के राघव, कुंदन कुमार, अनवर करीम खान, आशा भारती। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार अब तक बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।